Hello, first a very good morning to all of you students. Today we are going to talk about the remaining section of the fish tale. In last video we are talking about the starting section of the fish tale and the rest section we are discussing here. So let's start. What a catch! Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. मछुआरे समुद्र में एक ऐसी जगह को तलाशते हैं जहां पर उन्हें उम्मीद होती है कि वहां पर वो अच्छी मछलियां पकड़ सकते हैं. वहां पर वो अपने जालों को फैलाते हैं. They will have to wait for many hours. उसके बाद वो कई घंटों तक इंतजार करते हैं जब तक कि मछलियां उनके नेट्स में आकर फंस नहीं जाती. Look at the different type of boats. यहाँ पर हम कुछ अलग अलग तरीके की बोट्स को देखेंगे. सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इन टू द सी सिंस दे गो फॉर दे कैन कैच मोर फिश. दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन वन आवर. कुछ बोट्स जो कुछ बोट्स होती हैं उनमें मोटर्स होती हैं और वो अंदर तक फिश में सी में जा सकते हैं. इसके बाद जो इस तरीके की बोट्स होती हैं जो मोटर बोट्स होती हैं वो ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर एक घंटे में होती है. सो हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम दैट इज हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर. अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इन वन और ये कितना जा रही थी 20 किलोमीटर. इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि ये हाफ और में 30 मिनट्स में ये 10 किलोमीटर जा रही है. तो अब यहां पर अब हाफ किलोमीटर को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 3.5 की बात कर रहा था. तो 3 तो कंप्लीट थे तो अब हमने किया 1 और प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस हाफ और. इट मेक्स 3 और 30 मिनट्स. तो अब यहाँ पर हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं. अगर 3 और में बात करें तो 21st और 22nd और 23rd और 30 मिनट में 10, 15 मिनट. तो ये आपका हो गया टोटल मिला के ये हो गया आपका 10 हो गया आपका 30 मिनट में तो टोटल हो गया आपका 70 किलोमीटर. दैट मीन 85 किलोमीटर. इसके बाद आप आगे बढ़े और देखें मोटर बोट को तो उसे कितना टाइम लगेगा. इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक वन आवर में हमको मालूम था इट इज गोइंग फॉर 20 किलोमीटर. तो एक घंटे में अगर ये 20 किलोमीटर जा रहा है और 85 में 5 भी आ रहा है इसका मतलब ये कि हमको 5 किलोमीटर के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम लग रहा है. तो 20 किलोमीटर अगर वन आवर को लग रहा है तो हाफ आवर में कितना चलेगा 10 किलोमीटर. इसी तरीके से 15 मिनट में कितना चलेगा 5 किलोमीटर. तो 20 + 20 + 20 + 20 + 5 = कितना होता है 85. और इतने ही को हमको कैलकुलेट भी करना है 85 किलोमीटर को. तो अब एक देखते हैं 20 किलोमीटर कितने में 1 आवर में. अगला 20 किलोमीटर फिर 1 आवर में. थर्ड 20 किलोमीटर फिर 1 आवर में. फोर्थ 21 आवर में. फिर अगले का 5 किलोमीटर 15 मिनट में. सो टोटल टाइम कवर्ड बाई अ मोटर बोट इज इक्वल टू 4 और प्लस 15 मिनट्स. अब यहां देखिए ये कुछ अलग अलग तरीके की मोटर बोट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स हियर. सो ये मोटर बोट्स हैं और उन्हीं को अगर थोड़ा और जूम करके हम पास से देखें तो ये उसका क्लोजर सेक्शन है. इसी तरीके से कुछ और टाइप की बोट्स भी होती हैं. यहां पर देखिए ये इस बोट को कहते हैं हम लॉन्ग टेल बोट. इसकी जो पीछे का सेक्शन आप देख रहे हैं और ये आगे से देख रहे हैं ये क्या है लंबी सी है तो इसको पूछ जैसी ये दिखती है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल लंबी पूछ वाली नाव. और यहाँ पर इसे देख रहे हैं इसमें ये लॉन्ग ये जो होती है हमारी वो बिग मशीन बोट होती है. यहाँ पर जो मोटर होती है वो बड़ी लगी हुई होती है और इस जो बोट है ये इसको ट्रॉलर भी कहा जाता है और ये ज़्यादा कैरी कर सकती है हमारे हमारे लॉन्ग टेल बोट से या फिर जो दूसरी हमारी मशीन्स वाली बोट होती है कहने का मतलब जो मोटर बोट होती है उनसे ये कुछ ज़्यादा कर सकती है. ठीक है तो ये है आपकी. तो बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड.
देयर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट ट्रॉलर्स इन द बिजनेस दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर दे ऑल्सो स्टे आउट द सी फॉर मैनी डेज. ये जो मछुआरे होते हैं जो बिजनेस के पर्पजेज से ट्रॉलर्स को लेकर जाते हैं ये कुछ दिनों तक वहीं पर समुद्र में रहते हैं और बहुत सारी मछलियाँ कलेक्ट करते हैं अपने बड़े बड़े नेट्स को समुद्र में डालकर. दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव एट टू ग्रो अप. फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इन टू द सी. दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर caught. For hundred of years, fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. सैकड़ों वर्ष पहले जो मछुआरे थे वो केयर करते थे समुद्र की और उसकी मछलियों की और वो केवल उन मछलियों को पकड़ते थे जिसको कि वो बहुत कम मात्रा में जिसको कि वो खा सकें और बेच सकें जिससे कि उनका जिनका गुजारा चल सके. लेकिन आज की डेट में जो मछुआरे हैं वो मछलियों को केवल अपने जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि वो उसको बिजनेस के तौर पर पकड़ते हैं. दे से दैट इट ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम. वो कहते हैं कि जो इस तरीके के जो ट्रॉलर्स होते हैं इसमें हजारों किलोग्राम फिशेस को पकड़ा जाता है हर दिन. देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी. और इस तरीके से अगर पकड़ा जाता रहा तो एक दिन समुद्र में हमारे सी नहीं बचेंगे. इसके बाद एक अगला टास्क आपको दिया जा रहा है. राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन और रिवर्स एंड सीज. एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करिए जिसमें कि आपको पता चले कि कौन कौन से मछलियों को खतरे हैं कौन कौन से डेंजर्स फेस करती हैं मछलियाँ इस समय में आप समुद्रों में और नदियों में. सो नाउ वी आर मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच बोट्स गेट हाउ मच. सो हेयर दिस इज अ प्रैक्टिस टाइप सेट. एंड इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिश. जो एक ट्रिप होती है उसमें जो लॉग बोट होती है वो अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिशेस को करती है. बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन वन और लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट अबाउट हाउ मच. सो हेयर अ टेबल इज गिवन ऑलरेडी और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन सेवन ट्रिप्स. अब इस तरीके की बोट्स में ये कुछ गिवन बोट्स हैं उन गिवन बोट्स में सेवन ट्रिप्स में कितना टाइम लगेगा कितनी फिशेस को कितनी किलोग्राम फिशेस को ये लेकर जा सकती हैं सेवन ट्रिप्स में. जबकि वन ट्रिप को दे रखा है कि वन ट्रिप में लॉग बोट जिस तरीके से 20 किलोग्राम लेके जा सकती है ये 600 किलोग्राम मछलियों को कैरी कर सकती है ये 800 और ये 6000. ठीक है तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले टाइप ऑफ बोट लॉग बोट और लॉग बोट 20 किलोग्राम फिशेस को वन ट्रिप में ले जा रही है. तो अगर हम बात करें सेवन ट्रिप्स की तो सेवन ट्रिप्स का मतलब हो गया ये सेवन टाइम्स लेकर जाएगी 20 को. तो 20 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड इट विल इक्वल टू कितना हो गया 140 किलोग्राम. सो इस तरीके से जो सेकंड वाली है वो कितना है वो 600 है और 600 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से देन ये कितना आएगा 4200. इस तरीके से फिर ये 800 की बात आती है 800 का भी क्या करेंगे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई और इसके बाद यहाँ पर आएगा 5600. अब 6000 की बात आती है तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42000. तो समझ में आया वन ट्रिप में 20 तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका सेवन ट्रिप में हो जाएगा ये 7 टाइम्स. तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से एंड वी विल गेट द आंसर. सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं.
अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. अब 6 आवर में देखिए, लॉन्ग टेल बोट जो थी वो 1 आवर में 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी. तो 60 किलोमीटर जाने में इसका मतलब क्या करेंगे हम? इसका मतलब 60 किलोमीटर है, उसको अलग अलग 12 किलोमीटर के सेक्शंस में हमको डिवाइड करना होगा. तो अगर इसको डिवाइड करना होगा, इसको मतलब छोटे पार्ट्स में अगर इसको चाहिए होगा 1 आवर में 12 किलोमीटर, तो 60 आवर को हम उसे किलोमीटर में पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि 60 किलोमीटर ट्रेवल करने में ये कितना टाइम लेगी. तो 60 अपॉन 12 और 12 5 जा 60, सो इट विल टेक 5 आवर टू कंप्लीट दिस. Topic is, the next topic is some big numbers. कुछ बड़े बड़े numbers. In the class 4th math magic, you heard of the number lakh, which is equal to 100,000. जब आप पिछली classes में थे, 4th classes में थे math magic में, तब आपने पढ़ा था लाख कितना होता है. So it is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh bricks in our country where bricks are made. So first question is, what other things have you heard of in lakhs? तो पहला क्वेश्चन ये है, आपने ऐसी कौन कौन सी और चीजें हैं जिनको लाख में सुना है? हाँ बताइए मुझे. हाँ बिल्कुल, अगर आप बात करें कि अगर एक तालाब में मछलियों की बात करें तो ये लाख में हो सकती हैं. दूसरा एग्जांपल ये, अगर हम अपने घर में यूज की हुई ईंटों के बारे में बात करें तो ये भी लाखों की संख्या में हो सकती हैं. अगर आपका घर बड़ा है तो ये लाखों की संख्या में होना स्वाभाविक है. राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000. सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर 1 लाख? इजी इजंट इट? क्या ये बहुत सरल है? तो आप देखिए, 1 लाख इज इक्वल टू 1. अब यहां से इसे काउंट करें, पीछे से काउंट करते हैं, इट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 1 लाख. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी जीरोज इन 1 लाख? सो देर आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो टोटल 5 जीरोज इन 1 लाख. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट. देर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री. सो बोट ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर. सो इनमें से जो आधी हैं, हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर. वट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर? राइट इट. तो देर आर अबाउट 2 लाख बोट. तो अगर हमारे पास में 2 लाख बोट हैं, अगर हम एक काम करें, अगर हम 1 लाख प्लस 1 लाख, तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें 2 लाख की और उनको 2 पार्ट्स में इक्वल करना है, तो सबसे पहले काम करते हैं 1 लाख एंड प्लस 1 लाख, देन इट विल बिकम इज इक्वल टू 2 लाख. तो अब यहां पर अगर बात की जाए 2 लाख की, तो वहां पर हम हाफ की बात कर रहे हैं, दैट अगर हाफ हाफ मोटर बोट है वहां पर, ठीक है. तो 1 लाख प्लस 1 लाख, तो यहां पर अगर हाफ और हाफ मिलकर 1 होता है, तो ये टोटल हो गया हमारा 2 लाख. तो यहां पर 1 लाख जो बोट होंगी वो मोटर बोट होंगी, ठीक. तो इसके बाद है आपका, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद अ मोटर आर बिग मशीन बोट. तो अब मोटर बोट हमारी कितनी थी? 1 लाख थी. और उन मोटर बोट में जो हमारी 1/4 हैं, 1/4 हमारी हैं बिग मशीन बोट, जिनकी की जो
मशीन्स हैं, मतलब जिनकी जो मोटर है वो बड़ी है, तो उनको निकालने के लिए, उन बोर्ड्स के नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने 1 लाख को टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1 लाख बनाने के लिए हमको 4 कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमको मिल जाए 1 लाख। तो यहां पर मैंने किया 1 लाख इज इक्वल टू, 1 लाख को डिवाइड किया 4 से, जब 4 से डिवाइड किया देन हमको मिला 25,000। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर 1 लाख हो जाता है 25,000, और 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, ये थोड़ा सा एरर हो गया, एक्चुअली ये इज इक्वल टू का सिंबल लग गया, मैं इसे चेंज कर दे रहा हूं। ये हो गया आपका प्लस प्लस 25,000 प्लस 25,000, ये 3 टाइम्स हो गया। फोर्थ टाइम बनाने के लिए प्लस 25,000, देन ये कितना बन गया इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहां पर 4 पार्ट में आपने देखा कि ये 4 पार्ट में हो गया 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स जब 25,000 को ऐड किया देन मिला हमको 1 लाख। तो फोर्थ टाइम कितना हो गया 25,000, समझ में आया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लाइफ्स आर रिलेटेड टू फिश। इन ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स हु कैच फिश, क्लीन एंड सेल देम, मेक एंड रिपेयर नेट एंड बोट्स एटसेट्रा। वी ऑल्सो हैव अ नेम फॉर दिस बिग नंबर 100 लाख, दैट मीन 100 को अगर मल्टीप्लाई कर दें लाख से इज कॉल्ड अ करोड़। अगर आप 100 लाख को 100 को लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारा करोड़। देखें किस तरीके से ये करोड़ बनता है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई किया 1 लाख से, 1 लाख से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 100 लाख। 100 लाख मीन्स 1 करोड़। तो यहां से देखिए ये आपका 100 into 1 lakh इज इक्वल टू आपका 1 करोड़ हो चुका, ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक मिनट, में पहुंच रहा हूं पीछे सेक्शन पे। यहां पर फिर से हम आगे बढ़ते हैं। वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ नंबर करोड़, व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ और भी ऐसी जगह हैं जहां पर आपने करोड़ के बारे में सुना है, तो आप उन जगहों के बारे में मुझे बताइए। जब हमारी क्लासेस बाद में खुलेंगे तब आप मुझे बताइएगा कि आपने करोड़ जो वर्ड है वो कहाँ पर सुना है। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोज। द फिश मार्केट, यहां से स्टार्ट होता है हमारा द फिश मार्केट टॉपिक। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट, क्या आप कभी फिश मार्केट गए हो। इफ यू हैव बीन यू माइट नो वाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारा शोर होता है, और एक जो चीज यहां पर नहीं है वो ये है कि यहां पर एक स्मेल भी होती है जो कुछ अलग ही होती है, जिसमें फिशेज की महक आ रही होती है, ठीक है। वहां से आपको जब आप पास होंगे तब आपको पता चल जाएगा दैट इट इज अ फिश मार्केट। दिस फिश मार्केट इज विजिटेड, मैनी बोट्स हैव ब्राउट अ गुड कैच, बहुत सारी बोट्स हैं उनने बहुत अच्छी मछलियां पकड़ी हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स, और जो फिशर वुमेन है वो चिल्ला रही हैं अपने प्राइसेस को बता रही हैं अपने बायर्स के लिए। मिनी कम हेयर टेक सर्डाइंस एट ₹40 अ केजी। देन ग्रेसी नेवर सो चीप गेट्स स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 अ केजी। फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन फॉर ₹150 अ केजी। देन तो यहाँ पर मिनी चिल्लाती है यहाँ आओ और मेरे से चीजें लो। तो इन द क्लास फोर्थ मैथमेटिक यू हार्ड ऑफ द नंबर लैक विच इज इक्वल टू 100,000।
यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स इन आवर कंट्री वे ब्रिक्स आर मेड. अब यहां पर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिनी ग्रेसी जो अपने चीजों को बेच रहे हैं उनके बारे में. तो यहां देखिए, एट व्हाट प्राइस पर किलोग्राम डिड फाजिला सेल द किंगफिश. तो सबसे पहले हमें कि हमको गिवन है दैट इज द प्राइस ऑफ 8 किलोग्राम किंगफिश इज इक्वल टू 1200 रुपीज. तो यहाँ पर 8 किलोग्राम किंगफिश का वेट दिया है. अब है क्या, हमको 1 किलोग्राम चाहिए, इसका मतलब इसका कम पार्ट चाहिए. जब होल सेक्शन को हमको छोटे पार्ट में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम फिश किंगफिश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 8. देन जब हम 8 से 1200 को डिवाइड करेंगे देन वी गेट 150 रुपीज. Now we are moving for the next question. That is, Floram has sold 10 kilogram prawns today. How much money did she get for that? Floram माने जो था वो 10 kilogram prawns को sell किया और उसको कितना price, कितना money उसने collect किया जब उसने 10 kilogram prawns को बेचा. तो यहाँ पर इसको देखिए कि जो यहाँ पर price of 1 kilogram prawns था, 1 kilogram prawns की जो cost थी वो 150 rupees थी. तो 10 किलोग्राम प्रॉन्स का मतलब है दैट 1 किलोग्राम को हमने 10 प्लेसेस पे, सेम प्लेसेस पे रखा है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 150. सो व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 बाय 150 देन वी विल गेट 1500. तो 10 किलोग्राम प्रॉन को बेचने पर उसको कितना मिला फ्लोरम्मा को, 1500 रुपीज. इसी तरीके से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल 6 किलोग्राम शॉर्ट फिश और मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सर्डाइंस डिड मिनी सेल. तो यहाँ पर अब मिनी ने कितनी सर्डाइंस बेची उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में खुद से करना है. ठीक है, सो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट. सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बसीर हैज रुपीज 100. बसीर के पास 100 रुपीज थे. ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्किट. उसने 1/4, दैट मीन 100, he spends 1/4 of the money on skid and another 3/4 on prawns. So how many kilograms on skid did he buy? तो सबसे पहली चीज, बसीर ने जो 1/4 पार्ट था, 1/4 100 का कितना हुआ, that mean we have to divide it 100 into 4 equal parts, that mean 25 rupees. तो उसने 25 rupees तो skid के लिए, skid खरीदने के लिए यूज किया. तो वहां पर लगाइए कि 25 rupees में कितना skid आ सकता है. दूसरा, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय, उसने कितने प्रॉन्स खरीदे, रेस्ट अमाउंट 3/4 कितना बचा, 25 को अगर हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचे 75 रुपीज. और 75 में कितने प्रॉन्स लिए जा सकते हैं, तो इसको आपको बताना है. ट्राई सेइंग दिस, दिस इज अ फास्ट, ट्राई सेइंग दिस फास्ट. हियर इज अ टंग ट्विस्टर, एक टंग ट्विस्टर है, आपको बहुत तेजी से इसको बोलना है. Sea sells on the seashore. Sea is sure that the shells that sea sell will be there no more. Actually, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया. आप एक काम करिएगा, इसको लर्न करिएगा और स्टार्ट करिएगा बोलना कि किस तरीके से जल्दी जल्दी हम इसे बोल सकते हैं. ओके, मैं देखूंगा आप लोग को कितना तेजी से आप बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो. सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वूमेन्स Meenkar Wink. The meeting of the Meenkar Wink had just begun. Fazila is the president. 20 fisherwomen have made their own wink. Each saves rupees 25 every month and puts it in the wink. How much money does the group collect each month? So first thing, you know very well that there are 12 months in a year. So every woman saves 25 rupees per month. So अगर एक वुमेन का हमको टोटल सेविंग्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 25 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक वुमेन की 1 मंथ की, कि उसने कितनी सेविंग्स की. ठीक है, तो पूरा ग्रुप 20 फिशर वुमेन्स का था, तो एक की जब हमने फाइंड कर ली तो 20 फिशर वुमेन्स को अगर उस होल अमाउंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा 25 का. इसका मतलब पूरे
जो 20 फिशर वुमेन थी उनका कलेक्शन। सो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, तो 1 ईयर का जब हमने सबका फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद हम बड़े इजिली 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका 10 ईयर का टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई अ नेट, जो प्रैक्टिस टाइम है वहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है। झांसी एंड हर सिस्टर वॉन्ट टू बाई अ लॉन्ग बोट लॉग बोट, सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। ग्रेसी ने एक उसको नेट खरीदना था और झांसी और उसकी सिस्टर ने एक लॉग बोट खरीदनी थी। सो उनने एक लोन लिया बैंक से, दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट, सो उनने उसके बाद उसको वापस किया इंटरेस्ट के साथ में। तो क्वेश्चन इज ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000, ग्रेसी ने 4,000 का लिया एक नेट खरीदने के लिए लोन। सी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, और उसने हर महीने 345 पे किया। तो हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, तो कितना मनी उसने इंटरेस्ट के साथ में बैंक को लौटाया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 345 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आएगा वो इंटरेस्ट के साथ में हमारा टोटल अमाउंट आएगा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट। झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाई अ लॉग बोट, दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। अब चीज है जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 23,520 आप पूरी साल में देते हैं, तो पूरी साल को अब जब छोटे पार्ट में